हेलो स्टूडेंट टुडे आई टॉक अबाउट अ टॉपिक व्हिच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर फिफ्थ मार्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एज यू नो दैट टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक द लीव इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट ओवर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू रूट्स एंड ऑल्सो अबाउट द स्टेम सो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट द होल थिंग अबाउट द लीव सो स्टार्ट करते हैं एज यू नो दैट स्टूडेंट लीफ का स्ट्रक्चर फ्लैट एंड होता है लेटरल आउट ग्रोथ होती है ये स्टेम की या फिर ब्रांच की और ये डेवलप होता है नोड के पोर्शन से हमने प्रीवियसली स्टेम के केस में बात की थी कि एक स्टेम में जो नोड के पोर्शनस होंगे वहीं से लीफ या ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं सो लीफ की ओरिजिन नोड के पोर्शन से होती है और ये नॉर्मली ग्रीन इन कलर में प्रेजेंट होती है जो कि फूड को मैन्युफैक्चर करने वाला ऑर्गन होती है प्लांट का लीफ ऑलवेज डेवलप इन अक्रोपिटल मैनर दैट मीन्स हम यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्रोपिटल मैनर का मीनिंग क्या होता है सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्लांट्स देखा और इस प्लांट्स में जो लीव फर्स्टली यहाँ फॉर्म हो रही है वो ओल्ड लीव है देन उसके अबव उससे न्यू देन उससे अबव उससे न्यू उसके अबव उससे न्यू और सबसे अब एकदम न्यू लीफ का फॉर्मेशन होता है सो so, ऐसे टाइप के मैनर को हम क्या बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर जहाँ पे ओल्ड पोर्शन प्लांट्स के बेस पे प्रेजेंट होगा देन न्यू 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 एंड सबसे पार्ट में एकदम न्यू स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा सो so उसे हम बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर और अगर इसका अपोजिट मैनर होता तो so उसे हम बेसिपिटल मैनर बोलते हैं सो so, यहाँ पे जो भी लीफ प्रजेंट्स होती हैं प्लांट्स में वो एक्रोपिटल मैनर शो करती हैं सो दैट्स थिंग अबाउट द लीव आफ्टर दैट इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे सो so, लीव का फंक्शन अगर हम इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं सो लीव मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम सो एज यू नो दैट कि जो लीव का कलर है वो ग्रीन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है फोटोसेंथेसिस की प्रोसेस को डन करना फोटोसेंथेसिस की प्रोसेस को वर्क करना सो हीयर जो लाइट को एब्जॉर्व करने का फंक्शन है वो लीव करता है सो लीव का मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चर्स फूड थ्रू फोटोसेंथेसिस आफ्टर दैट लीव्स आल्सो टेक पार्ट इन अ गैस एक्सचेंज दैट मीन्स लीव ऑल्सो डन द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पाइरेशन देन द मेन फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन इस प्रोटेक्ट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड दैट मीन्स कि जो फ्लोरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिससे फ्लावर फॉर्म होगा और जो वेजिटेटिव बड है दैट मीन्स लीफ का स्ट्रक्चर या जो ब्रांच के स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाले हैं उन्हें ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है देन आफ्टर दैट द मेन फंक्शन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स ट्रांसपरेशन सो एज़ यू नो दैट कि लीफ के पोर्शन पे ही स्टोमेटा के पोर्शन प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू ट्रांसपरेशन की प्रोसेस होती है और ये वाटर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ यू नो दैट कि एक ट्रांसपिरीशन पुल थ्योरी होती है जिसके थ्रू रूट से वाटर एब्जॉर्व होता है और प्लांट्स के टिप पोर्शन तक एपक्स पोर्शन तक ट्रांसफर किया जाता है सो so, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देन दे स्टोर फूड फ्रॉम ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड ये फूड को स्टोर करने का भी फंक्शन करते हैं जर्मिनेशन के टाइम पे, सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इनके फंक्शन से रिलेटेड थे अब हम लीफ के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं सो एज़ यू नो दैट आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है और अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सो लीफ मोस्टली ब्रांचेज में प्रजेंट है और एक टिपिकल लीफ में मोस्टली थ्री पार्ट्स प्रजेंट होते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं लीफ बेस सेकेंड पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं पेटियोल और जो थर्ड पार्ट होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लेमिना का पोर्शन सो ओवरऑल थ्री पोर्शन प्रेजेंट होते हैं एक लीफ में फर्स्ट वन इज़ अ लीव बेस अनदर इज अ पेटियोल एंड थर्ड वन इज़ अ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज अ अमिना का पोर्शन तो टोटल थ्री फंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अगर हम लीफ बेस की बात करते हैं सो लीफ बेस वो पोर्शन होता है जो कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर में जो कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर में लीव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लीव को एंड लीव बेस का पोर्शन स्टेम के स्ट्रक्चर से लीव को अटैच करने में हेल्प करता है सो so ये तो फंक्शन हो गया लीव बेस का देन अगर हम बात करते हैं पेटियोल के स्ट्रक्चर की सो so ये क्या करता है ये लीव के पोर्शन को और स्टेम के पोर्शन के बीच में जो जंक्शन फॉर्म करना है वो पेटियोल का स्ट्रक्चर करता है कुछ ऐसी भी लीव्स होती हैं जिनमें ये पोर्शन नहीं प्रेजेंट होता ऐसे टाइम पे हम ऐसी लीव्स को सेसाइल लीव्स बोलते हैं जहाँ पे पेटियोल का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता वहाँ पे लीव डायरेक्टली स्टेम से अटैच होती है जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर एक स्टेम का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लीव डायरेक्टली अटैच है स्टेम के स्ट्रक्चर से लेकिन अगर प्लांट के स्ट्रक्चर में पेटियोल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो स्टेम से कुछ ऐसे अटैच होगी लीफ सो so, ये पोर्शन क्या है दिस इज़ अ पेटियोल स्ट्रक्चर सो इसे आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे नेक्स्ट वन लास्ट वन हम यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं लाइक फल्सेस प्लांट है पी प्लांट है उनमें जो लीव बेस का पोर्शन है वो थोड़ा सॉलिन होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है और उस टाइम पे उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पल्विनस सो so, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आई होप आप इसे समझ पाएंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर समझें तो ये स्टेम का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये पोर्शन कुछ थोड़ा सा सॉलिन होता है पेटियोल का स्ट्रक्चर और फिर ये लीफ इससे अटैच होती है सो so, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं पल्विनस का नाम देते हैं आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द लेमिना पोर्शन अगर हम लेमिना पोर्शन की बात करते हैं सो लेमिना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इसे लीफ ब्लेड भी बोलते हैं सो लेमिना के पोर्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे कि लेमिना का पोर्शन जो कि लीफ ब्लेड भी बोला जाता है ये ग्रीन कलर का प्रेजेंट होता है जिसपे मोस्टली वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं अब अगर हम यहाँ यहाँ पर बात करें या इस चीज़ों को समझें सो दैट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ रिब पोर्शन जो कि मेन वेन है या हम इसे प्राइमरी वेन भी बोलते हैं या फिर हम इसे मिड रिप भी बोलते हैं सो दिस इज द पोर्शन ऑफ अ मिड रिप अब इन पोर्शन से बहुत सारी सो so ये एक मेन वेन का स्ट्रक्चर है और इसे बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स के स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं या एराइज होते हैं सो so इसे हम बोलते हैं वेनलेट्स स्ट्रक्चर सो जिन्हें हम सेकेंडरी वेन्स भी बोलते हैं या लेटरल वेन्स भी बोलते हैं सो so, ये तो फैक्ट था वेंस से रिलेटेड देन अगर अनदर स्ट्रक्चर को समझें सो so, यहाँ पे ये जो मार्जिन है इसे हम लीव मार्जिन बोलते हैं और लीफ के किनारे के पार्ट्स को हम अपेक्स पार्ट बोलते हैं लीफ का अपेक्स बोलते हैं सो so, ये फैक्ट थे अबाउट द लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे और ये लीफ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं मोस्टली और यहाँ पे अगर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें सो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होता है डाइकॉटली प्लांट्स के केसेस में सो so अगर आप यहाँ पे बोलें कि स्टेम के स्ट्रक्चर और लीव के स्ट्रक्चर के पास में फेटिवल के स्ट्रक्चर के पास में अगर लेटरल अपनडेज़ भी कुछ अराइज़ होते हैं कुछ प्रेजेंट होते हैं सो so इन्हें हम बोलते हैं फेटियोल के स्ट्रक्चर से जॉइंट है स्टेम के स्ट्रक्चर में उसे हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं सो इन अपेंडेज़स को इन लेटरल अपेंडेज को हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं जो मोस्टली डाइकॉटली ड प्लांट में प्रेजेंट होते हैं सो लीव बेस पे अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है सो so उसे हम बोलेंगे स्टिपुलेट प्लांट या स्टिपुलेट लीव और अगर वहाँ पे स्टिपुलेट या स्टप्यूल का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो so उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्स स्टिपुलेट ओके स्टूडेंट सो ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड फैक्ट है नेक्स्ट बात करते हैं हम विनेशंस के बारे में सो so, विनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे विनेशन की जो थ्योरी होती है द अरेंजमेंट ऑफ वेंस एंड द वेन लेट इन द लेमिना ऑफ अ लीफ इज नोन एज विनेशन दैट मीन्स कि अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर था इसमें ये मेन वेन थी एंड देन इनमें छोटी छोटी वेनलेट्स या सेकेंडरी या लेटरल वेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था सो so, ये जो वेन का स्ट्रक्चर है लीफ में किस टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट है वेन्स के केसेस में उस टाइप उसे हम बोलते हैं विनेशन और मोस्टली अगर विनेशन की बात करें तो लीव्स में मोस्टली दो टाइप के विनेशन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट वन होता है रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकेंड वन होता है पैरलर विनेशन सो so, अब हम इन कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि रेटिकुलेट विनेशन क्या है और पैरलर विनेशन क्या है सो so, अगर वेन लेट्स एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं एक लीज में तो उसके लिए हम रेटिकुलेट वर्ड यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वो रेटिकुलेट रेटिकुलेटविनेशन का दिया हुआ है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लीफ का स्ट्रक्चर है और एक लीफ में अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कुछ ऐसा अरेंजमेंट आप देख रहे हो सो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेटिकुलेट रेटिकुलेटविनेशन और रेटिकुलेट रेटिकुलेटविनेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकॉट प्लांट का बात करें अगर टैलर विनेशन की सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वेन द वस रन पैरलर टू इच अदर विद इन अ लेमिना अगर लेमिना के स्ट्रक्चर में पैरलरी प्रजेंट हैं वक्चर सो यहाँ पर हम इनके लिए बोलते हैं पैरलरविनेशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप वीट की अगर लीव की बात करो या ग्रासेस की लीवस की बात करो सो यहाँ पर पैरलरविनेशन है एक दूसरे के पैरलरी प्रजेंट होती हैं लीव्स की वेन तो इनके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है पैरलरविनेशन का सो so, ये था एग्जाम्पल रेटिकुलेट विनेशन का और ये है पैरलर विनेशन का अब यहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन में भी दो टाइप दिए हुए हैं यूनिकोस्टेट एंड मल्टी कोस्टेट इन कॉन्सेप्ट को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है सो स्टूडेंट हियर अगर हम यूनिकोस्टेट या पिनेड भी इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं इस टाइप के विनेशन में क्या होगा कि एक सिंगल स्ट्रोंग मिड वेन फॉर्म होगी और उससे सेकेंडरी वेन्स फॉर्म होंगी एराइज़ होंगी या लेटरल साइड में सेकेंडरी वेन्स फॉर्म होंगी तो ऐसे टाइम पे इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूनिकोस्टेट जैसे कि आप यहाँ पे यूनिकोस्टेट में डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वेन है मेन वेन और उससे लेटरल वेन्स का फॉर्मेशन हुआ है सो so, ये तो फैक्ट है यूनिकोस्टेट से रिलेटेड एंड देन जो ये लेटरल वेन्स के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं इससे स्टिल स्मॉलर वेन एंड वेन लेट्स भी फॉर्म हो सकती हैं ऑल डायरेक्शन में तो ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं और इसका जो बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा फाइकोस रेलिगोसा पीपल का प्लांट आपने देखा होगा उसमें ऐसा अरेंजमेंट फॉर्म होता है और आम के पेड़ में भी आम की जो लीव्स हैं उनमें भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है देन हम बात करते हैं पालमेट या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं मल्टी कोस्टेट सो यहाँ पे क्या होता है इस विनेशन में क्या होगा देर आर टू और मोर प्रिंसिपल्स वेन अराइज होते हैं एक ही सिंगल पॉइंट सो सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ही सिंगल पॉइंट से बहुत सारी वेन्स के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं सिंगल पॉइंट से सो so, जो कि आउटवर्ड और अपवर्ड फॉर्म होते हैं सो so, ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं पालमेट या फिर मल्टी कोस्टेट नेशन बोलते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट के केस में बोलते हैं कि जो भी जितने भी प्रिंसिपल्स वेंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बेस से सो so, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट और हम कन्वर्जेंट के केस में बोलते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स वेंस हैं वो डाइवर्जिंग रन करती हैं कर्व्ड फॉर्म होती हैं बेस टू अपेक्स जो है ब्लेड में फॉर्म होती हैं सो so, ऐसे टाइप टाइप को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट वेन्स बोलते हैं या टाइप बोलते हैं अब आगे बात करेंगे अगर हम पैरलर विनेशन की तो यहाँ पे जो यूनिको स्टेट है उसमें हम बोलते हैं कि वेन देयर इज अ प्रोमिनेंट मतलब एक ही मेन रिब के स्ट्रक्चर से लेटरल वेन्स फॉर्म हो परपेंडिकुलर मैनर में पैरलर हों एक दूसरे के तो उसे हम बोलते हैं पिनेट या यूनी पोस्टेट और जब हम पालमेट के केस में बात करते हैं सो हम वहाँ पे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर देर आर टू और मोर प्रिंसिपल्स वेन्स अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड प्रोसीड आउटवर्ड और अपवर्ड तो ऐसे टाइप के विनेशन को हम पालमेट विनेशन बोलते हैं सो so ये है इनके विनेशन से रिलेटेड फैक्ट आगे बात करते हैं और यहाँ पर हम अब टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स की अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे दो टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती हैं फर्स्ट वन होती है सिंपल लीव एंड सेकेंड वन जो होती है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीव अब अगर हम यहाँ पे सिंपल लीव की बात करें सो यहाँ पे आप डाइग्राम सही समझ पा रहे होंगे कि ये एक सिंपल लीव्स का स्ट्रक्चर है और ये एक कंपाउंड लीव्स का स्ट्रक्चर है सो so अगर हम सिंपल लीव्स के बारे में बात करें कि सिंपल लीव किसे कहते हैं जहाँ पे लेमिना का स्ट्रक्चर सिर्फ एक प्रेजेंट हो दैट मीन्स कि अ लीफ इज सेट टू बी सिंपल वेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन इनसाइज सो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे सिंपल लीव्स का स्ट्रक्चर बोलते हैं और अगर हम कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं सो वेयर द इंसिजन्स ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इन टू द नंबर ऑफ द लीफलेट्स इज नोन एज अ कम्पाउंड लीव स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ है सिंपल लीव के केस में कि मिड रिप का पोर्शन एक फॉर्म हुआ है और उससे लेटरल वेन्स के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए अब अगर आप इस लीव को भी ध्यान से देखो सो क्या ये लीव भी आपको एक लीव का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ये एक लीव का स्ट्रक्चर है बट इसमें क्या हुआ कि जो मेन रिब का पोर्शन था और उसकी जो लेटरल लीव्स के पोर्शन थे लेटरल वेन्स के जो पोर्शन थे उससे एक सेपरेटली लीव्स का फॉर्मेशन हो गया सो so, उसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड लीव्स बोलते हैं तो so, ऐसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि बहुत ही सिंपली वे में फॉर्म है सो so, इस टाइप में हमने क्या बोला एक को बोला सिंपल लीव्स और दूसरे को हमने बोला कंपाउंड लीव सो जहाँ पे एक मिड रिप के पोर्शन से लीफलेट, छोटे छोटे लीफलेट्स के पोर्शन फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड लीव्स बोलते हैं तो सिंपल लीव्स का एग्जाम्पल आप जानते हैं जैसे कि कोई भी मोस्टली हमारे पास प्लांट्स uh, हो फॉर एग्ज़ाम्पल रेसिनस है ड्रेसिका है टेजिटस इरेक्टस है ये सब एग्जाम्पल होते हैं सिंपल लीफ के ओके जहाँ पे आ, जो भी लेमिना है वो सिंगल है ठीक है कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं सो जो लेमिना का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है मैनी स्मॉल सेगमेंट्स में जिसे हम लीफलेट बोलते हैं और कंपाउंड लीव का जो एग्ज़ाम्पल हो जाता है वो आप कुछ भी मोस्टली बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि जो नीम का प्लांट है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा कैसिया का प्लांट है अकेशिया का प्लांट है बबूल दैट्स मीन्स तो ये सारे जो भी एग्ज़ाम्पल हैं वो कंपाउंड लीव्स की हो जाएंगे नेक्स्ट अगर आगे बात हम करें सो कंपाउंड लीव्स भी दो टाइप्स की होती हैं एक को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स और दूसरे को हम बोलते हैं पालमेटली कंपाउंड लीव्स पिनेटली कंपाउंड लीव्स की बात करें सो जो नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एक्सिस पर या एक कॉमन रैकिस के पोर्शन पे, सो उसे हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव जैसे कि आप नीम के प्लांट्स की लीव्स देखते हो सो वहाँ पे आपने बोला कि वहाँ पे एक ही पोर्शन पे सारी लीव्स जो है वो अराइज़ हैं एक ही मेन रिब के पोर्शन पे या रैकिस के पोर्शन पे छोटे छोटे लीफ लेट के पोर्शन प्रेजेंट होते हैं सो so, ऐसी लीफ के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं ऐसी लीफ के पोर्शन को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स और जब हम बात करते हैं पालमेटली कंपाउंड लीव्स के बारे में सो so यहाँ पे पालमेटली कंपाउंड लीव्स के बारे में हम बोलते हैं कि ये जो लीव्स है यहाँ पे लीफलेट अटैच होती हैं एक कॉमन पॉइंट पर सो so, वहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं पालमेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आपने बोला कि ये एक कॉमन पॉइंट है और ये इसी पोर्शन से लीव्स के पोर्शन अराइज हो रहे हैं सो so, इसे आपने बेसिकली क्या बोला पालमेटली कंपाउंड लीव्स बोला और जो सिल्क कॉटन का प्लांट होता है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है पालमेटली कंपाउंड लीव्स का नेक्स्ट अगर हम इस कॉन्सेप्ट को और समझे पालमेट्री कंपाउंड लीव्स के और टाइप्स के बारे में बात करें सो so, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके और भी टाइप हैं यूनिफोलिएट बाईफोलीट ट्राईफोलीट क्वालडिफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट सो अगर हम इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें सो so यहाँ पे हम जानते हैं यूनिफोलिएट का मीनिंग होता है अ पालमेटली कंपाउंड लीव्स हैविंग ओनली अ सिंगल लीफ लेट दैट कि अगर आप यहाँ पे फोलिएट वर्ड यूनी का मतलब होता है वन सिंगल एंड फोलिएट का मतलब होता है लीफलेट दैट्स मीन्स कि ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफलेट में सिंगल सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होगा सो so उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूनिफोलियट बाईफोलिएट्स के केस में हम बोलेंगे जहाँ पे दो लीफलेट्स के पोर्शन प्रेजेंट हैं फॉर एग्जाम्पल आप देख भी पा रहे हैं ये है सिट्रस प्लांट्स की लीफ जो कि यूनिफोलिएट है नींबू ओके एंड देन है गुलमोहर प्लांट्स की लीफ जो कि बाईफोलिएट है यहाँ पे एक रिप से आप दो पोर्शन देख पा रहे हो देन ट्राईफोलीट्स का मीनिंग होता है जहाँ पे थ्री लीफलेट्स एक ही कॉमन पोर्शन से अराइज है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ही पोर्शन से वन टू थ्री थ्री कॉमन ट्राईफोलिएट्स फॉर्म हो रही हैं एंड ट्राईफोलियम जो है उसका ये बेसिक एग्जाम्पल होगा या फिर ऑग्जैलिस का जो प्लांट है आ, पीली खट्टी ऐसे जो है खट्टी बूटी उसका नाम है कॉमन नाम है ऑक्जैलिस का सो so उसमें आपने देखा होगा देन उसके बाद है क्वाडिफोलिएट क्वाडिफोलिएट का मीनिंग होता है जहाँ पे फोर लीफलेट्स के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं सो so ये क्वाडिफोलिएट्स का एग्जाम्पल है पेरिस uh, इसका एग्जाम्पल होता है मोस्टली पेरिस क्वाडिफोलिया यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है पी ए होगा पी ए आर आई एस पेरिस देन उसके बाद जब हम फिफ्थ वन की बात करते हैं तो फिफ्थ वन का नेम ही है मोर देन फोर सो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जब बहुत ज़्यादा लीफलेट्स के स्ट्रक्चर अटैच होते हैं एक ही कॉमन पोर्शन से सो so यहाँ पे हम उसे बोलते हैं मल्टीफोलिएट और इसका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो बॉम्बैक्स हो जाएगा बॉम्बैक्स मोरी सिल्क कॉटन जो हम लोग बोलते हैं सो so वो इसका एक बेसिक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा सो so, ये तो बात थी अबाउट द पार्मेटली लीव के कॉन्सेप्ट से और ओवरऑल लीव के कॉन्सेप्ट से सो आई होप इतना ही टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे दैन उसके बाद अगर हम आगे बात करें सो so एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा फिलो टैक्सी का सो so, इस कॉन्सेप्ट को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं फिलो टैक्सी के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है पैटर्नस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीवस ऑन द स्टेम दैट मीन्स फिलों का मतलब क्या है लीव्स होता है फिलम या फिल्स वर्ड का मीनिंग होता है लीव्स और टैक्सी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी अगर आप बोलो क्लासीफाई या अरेंजमेंट की बात आप करते हो सो इस एक स्टेम के स्ट्रक्चर में कैसे लीवस के पोर्शन अरेंज है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ इस्टेम दिस इज़ अ वडी पार्ट अब इसमें लीव्स के पोर्शन अटैच कैसे हैं इनके अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं फिल्लो टैक्सी बोलते हैं ओके स्टूडेंट सो यहाँ पे मोस्टली हम थ्री टाइप्स के ही फिल्लो टैक्सी की बात करेंगे एक बोलेंगे अल्टरनेट देन दूसरे को बोलेंगे अपोजिट एंड थर्ड वन को बोलेंगे हम होल ओके सो यहाँ पे थ्री पोर्शन की थ्री फिल्लो टैक्सी की बात करते हैं फर्स्ट वन को बोलते हैं अल्टरनेट सेकेंड वन को बोलते हैं अपोजिट एंड थर्ड वन को बोलते हैं होल्ड अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में भी समझ पा रहे होंगे और ऐसे भी समझिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्टेम स्ट्रक्चर और उसमें एक लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है देन दूसरी यहाँ पे प्रेजेंट है अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो थर्ड वन हीयर एंड फोर्थ वन हीयर सो यहाँ पे ये एक अल्टरनेट पोर्शन में प्रेजेंट है वन टू थ्री फोर पहले वन है फिर टू है थ्री है फोर है सो so ये अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है लीव सो ऐसे टाइप के फिलोटैक्सी को हम बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी देन ऑफ्टर दैट आई टॉक अबाउट अ अपोजिट जब हम अपोजिट की बात करते हैं सो यहाँ पर पेयर्स ऑफ अ लीव्स प्रजेंट होती हैं जो कि ईच नोट से ईच नोट पर प्रजेंट होती हैं और वो अपोजिट पोर्शन पर प्रजेंट होंगी सो फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक स्टेम प्रजेंट है अब दो लीफ यहाँ से निकले एक इधर प्रजेंट है इस साइड में और दूसरी इस साइड में प्रजेंट है एक दूसरे के अपोजिट अब दूसरी जो लीफ है वो इसके सामने से निकलेगी ओके okay, अब इस स्ट्रक्चर में तो आप नहीं देख सकते अदरवाइज इसका बेसिक एग्जांपल है गुआवा गुआवा के प्लांट्स में आप देख पाएंगे इस मैनर को एंड कैलाट्रॉपिस uh, का प्लांट भी इसका बेसिक एग्जांपल होता है अपोजिट वहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के सो so वो इनके बेसिक एग्जांपल होंगे और अल्टरनेट uh, का अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें सो so अल्टरनेट का बेसिक एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस रोजास साइनेंसिस चाइना रोज का जो प्लांट होता है गुड़हल का जो प्लांट है उसमें अल्टरनेट मैनर्स में लीव्स प्रेजेंट होती हैं और सनफ्लावर भी इसका बेसिक एग्जाम्पल होगा लेकिन जब हम अपोजिट की बात करते हैं सो अपोजिट में आप अगर ओसिमम की बात करें तुलसी का जो प्ले, प्लांट है कैलाट्रॉपिस का जो प्लांट है उन ये इनका बेसिक एग्जाम्पल हो जाएंगे अपोजिट मैनर का जहाँ पे दो लीव्स एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होती हैं देन उसके बाद हम लास्ट वन होल की बात करेंगे सो so, होल के बारे में अगर हम बोलते हैं सो so यहाँ पे जो लीव्स के पोर्शन है वो एक कॉमन uh, पार्ट से अगर हम बोलें कि मोर देन टू लीव्स, अगर एराइज हो नोड के पोर्शन से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक नोड का पोर्शन है ओके okay, अब इस नोड के पोर्शन से एक इधर टू थ्री फोर फाइव मतलब एक घेरा जैसा एक होल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे होल। अब देन ये भी मान लीजिए एक नोट का पोर्शन है अब वन लीफ हो रही, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे अगर लीव्स यहाँ पे मोर देन टू लीफ्स अगर अरेंज हैं एक ही नोट पोर्शन पे एक होर्ल का पोर्शन फॉर्म करती हैं सो तो इसे हम होल लीव बोलते हैं और इसका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो एलेस्टोनिया होता है इसका बेसिक सा एग्जाम्पल सो तो ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा होल का नेरियम का प्लांट अगर आपने देखा हो सो तो उसमें भी ये फॉर्म होता है और एलेस्टोनिया को बेसिकली हम डेविल ट्री बोलते हैं डेविल ट्री सो तो आई होप आपने इसे देखा होगा अदरवाइज नेरियम जो है बेसिक एग्जाम्पल है इसका होल का अदरवाइज़ यहाँ पे और भी कुछ है इन्हें आप नेम से ही समझ पाएंगे ओल्ड पिनेट आप इन स्ट्रक्चर को देखेंगे आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे परफोलिएट है ट्राई है यूनिफोलिएट है होल्ड है ट्राईफोलिएट है रोजिटे है रोजेट है अपोजिट है पेल्टेट है इवन पिन्नेट है एंड बाई पिन्ट लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अलेवेंथ में एन के बेस पर अगर मैं बोलूँ सो अल्टरनेट अपोजिट एंड होल्ड थ्री टाइप्स के हैं आफ्टर दैट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की सो मॉडिफिकेशनस ऑफ लीव्स में मोस्टली थ्री या फोर टाइप्स के आप यहाँ पर बोलोगे सो so, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो टेंड्रल के स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं फर्स्ट वन आप जानते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सो so, यहाँ पर जो लीव के पोर्शन है वो मॉडिफाई हो जा रहे हैं सिलेंडर वायरी वायर के फॉर्म में और क्वायर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं सो so, ये क्या है टेंड्रिल हैं और ये प्लांट्स के क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे देन उसके बाद लीव्स जो हैं वो इस्पाइंस के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें लीफ या तो होली या फिर पार्शली मॉडिफाई हो जाती है शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में जिन्हें हम स्पाइंस बोलते हैं और ये ग्रेजिंग एनिमल uh, से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और ये लीफ के एरिया को भी शॉल्ट करती हैं जिसकी वजह से लीफ में ट्रांसपरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती और uh, बेसिकली इसका फेमस एग्ज़ाम्पल है अपुंशिया का प्लांट नागफनी का प्लांट जहाँ पे लीव टोटली रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस के फॉर्म में सो ये उसका बेसिक एग्जाम्पल हो हो जाएगा पिचर प्लांट या ब्लैडर आ, आप जानते होंगे जहाँ पे इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स होते हैं और वो जो है इंसेक्ट को ईट करते हैं सो वो जो लीफ का स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे बैग लाइक या घड़े जैसा फीचर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स को देख पाते हैं एंड देन uh, तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल थे यहाँ पे लीव कुछ हुक्स के स्ट्रक्चर फॉर्म करती है फिलोड के बारे में हमने पहले ही समझा था uh, कि जो भी स्टेम के स्ट्रक्चर हैं वो एज लीफ लाइक अगर शो होने लगते हैं सो so, उनके लिए भी हम क्या है फिल्लो बोलते थे और यहाँ पे जो टर्म्स है वो है फिलोट्स के बारे में सो so, फिलोड्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी आ, ऐसे कुछ प्लांट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एरिया लीव्स का सो so, उनके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है फिलोड्स का पोर्शन तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स थी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के टॉपिक से और यहाँ पे लीव का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है आई होप आप इस इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे समझ पाए होंगे हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए सो थैंक यू स्टूडेंट्स